श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि गर्भ निरोधक गोलियां और गर्भ निरोधक चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में किस तरह हमारा नुकसान कर रहे हैं और हमारा कितना पैसा बाहर के देशों में जा रहा है। कई विदेशी कंपनियां हमारे देश की माताओं बहनों को गर्भ निरोधक उपाय बेचती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेचते हैं, कुछ गोलियों के रूप में बेचते हैं, कुछ इंजेक्शंस के रूप में बेचते हैं और इसके अलावा इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे नॉरप्लांट, डेपो प्रोवेरा, आई पिल है, एक पिल है, ई पिल है, ऐसे करके कुछ और अलग अलग नामों से हमारे देश की माताओं बहनों को कॉन्ट्रासेप्टिव बेचे जाते हैं। और आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि जिन देशों की ये कंपनियाँ हैं ये सब वो अपने देश के माताओं और बहनों को नहीं बेचती है लेकिन गर्भ निरोधक गोलियों को भारत में लाकर बेच रही है। जैसे डेपो प्रोवेरा है, डेपो प्रोवेरा नाम की तकनीक उन्होंने विकसित की है गर्भ निरोधक के लिए। ये अमेरिका की एक कंपनी ने विकसित किया है और कंपनी का नाम है आपजोन। इस कंपनी को अमेरिका सरकार ने बैन किया हुआ है कि डेपो प्रोवेरा नाम की तकनीक को अमेरिका में नहीं बेच सकती, तो कंपनी ने वहां नहीं बेचा। अब ये गर्भ निरोधक उत्पादन करके भारत ले आए और भारत सरकार से इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है और ये धड़ल्ले से भारत में बेच रहे हैं। ये गर्भ निरोधक इंजेक्शन के रूप में भारत की माताओं और बहनों को दिया जा रहा है और भारत के बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर इस इंजेक्शन को माताओं और बहनों को लगवा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है? ये माताएं और बहनें का जो माहवारी का चक्र है ये उसको पूरी तरह से बिगाड़ देता है और उनके अंत उनका यूटेरस में कैंसर कर देता है और माताओं बहनों की मौत हो जाती है। कई बार उन माताओं बहनों को पता ही नहीं चलता कि वो किसी डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने उनको बताया नहीं और डेपो प्रोवेरा का इंजेक्शन लगा दिया जिससे उनको कैंसर हो गया और उनकी मौत हो गई। पता नहीं लाखों माताओं बहनों को ये गर्भ निरोधक लगा दिया गया है और उनकी हालत बुरी हुई है। इसी तरह इन्होंने एक नेट इन नाम की गर्भ निरोधक की तकनीक लाई है। स्टेरॉइड्स के रूप में ये माताओं बहनों को दे दिया जाता है या कभी इंजेक्शन के रूप में दे दिया जाता है। इससे उनको गर्भपात हो जाता है और उनके जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स हैं उसमें असंतुलन आ जाता है और वो परेशान होती हैं जिनको ये नेट इन दिया जाता है। उसी तरह से RU-496 नाम की गर्भ निरोधक तकनीक उन्होंने बनाई है, फिर रूसल नाम की एक है, फिर एक यूक्लिक UKLF नाम की एक है, फिर एक नॉरप्लांट है, फिर एक प्रजनन टीका उन्होंने बनाया है और सभी गर्भ निरोधक हमारी माताओं बहनों के लिए तकलीफ का कारण बनती है। फिर उनमें ये बहुत बड़ी तकलीफ ये आती है कि जितने भी तरह के गर्भ निरोधक उपाय माताओं और बहनों को दिए जाते हैं उससे यूटेरस की मांसपेशियां एकदम ढीली पड़ जाती है और अक्सर मासिक चक्र के दौरान कई माताएं और बहनें बेहोश हो जाती हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि उनको ये कॉन्ट्रासेप्टिव दिया गया है और किसके कारण से ऐसा हुआ है। और इस तरह हजारों करोड़ रुपए की लूट हर साल विदेशी कंपनियों द्वारा ये कॉन्ट्रासेप्टिव बेच कर की जाती है। इसके अलावा अभी 3-4 साल में गर्भ निरोधक कॉन्डोम का व्यापार विदेशी कंपनियों द्वारा बहुत बढ़ गया है और इसका प्रचार होना चाहिए। इसके लिए एड्स का बहाना है, एड्स का बहाना लेकर टीवी में, अखबारों में, मैगजीनों में एक ही बात का विज्ञापन बार बार करते हैं कि आप कुछ भी करो कॉन्डोम का इस्तेमाल करो। ये नहीं बताते कि आप अपने ऊपर संयम रखो, ये नहीं बताते कि अपने पति और पत्नी के साथ वफादारी निभाओ। वो बताते हैं कि कुछ भी करो अर्थात किसी की भी माँ बहन बेटी के साथ करो, बस कॉन्डम का इस्तेमाल करो, बस कॉन्डम का इस्तेमाल करो। और इसका परिणाम पात क्या हुआ है कि मात्र 15 साल में इस देश में 100 करोड़ कॉन्डम हर साल बिकने लगे हैं। 15 साल पहले इनकी संख्या हजारों में भी नहीं थी और इन कंपनियों का टारगेट ये है कि ये 100 करोड़ कॉन्डम एक साल नहीं एक दिन में बिकने चाहिए। एड्स का हल्ला मचाकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां कॉन्डोम का बाजार खड़ा किया है और साथ ही साथ देसी कंपनियों ने भी किया है और कई 100 करोड़ का सालाना मुनाफा पीट रही है। हालांकि एड्स खतरनाक बीमारी है और यौन संसर्ग के अलावा कई अन्य तरीके से भी इसका प्रसार होता है, जैसे इंजेक्शन की सुई द्वारा, रक्त और पसीने के द्वारा, रक्त जब इधर से उधर करते हैं उसके द्वारा होता है। परंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शेयर पर एड्स को रोकने के जिन तरीकों को ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है उनमें है सुरक्षित संभोग और कॉन्डम का प्रयोग। डॉक्टर लाडो कलिंग्स के अनुसार
एक बार के यौन संपर्क से 0.1%, सुई से 0.5 से 1%, रक्त चढ़ाए जाने से 0.9% एड्स होने की संभावना रहती है। इसी तरह संक्रमित व्यक्ति के साथ संभोग या सुई के इस्तेमाल और रक्त चढ़ाने से एड्स होने की बराबर संभावनाएं रहती है। देश में यौन संबंधों के लायक सिर्फ 30% लोग ही हैं। अभी जो अधिकतर अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संपर्क नहीं बनाते, दूसरी तरफ बच्चे से लेकर बूढ़े तक इंजेक्शन की सुई का प्रयोग करते हैं, अतः इस रास्ते एड्स फैलने की संभावनाएं बहुत अधिक है। इसके अलावा रक्तदान द्वारा इस बीमारी का होना लगभग तय है, और अभी भी हमारे देश में 50% मामलों में रक्त बिना जांच के चढ़ाए जाते हैं। भारत में विशेष स्थितियों में उपयुक्त दोनों तरीकों से एड्स प्रसार की ज्यादा संभावनाओं को नजरअंदाज कर यौन संपर्क को कोई मुख्य जिम्मेदार मानना पश्चिम का प्रभाव और कॉन्डम निर्माताओं कंपनियों की पहुंच का ही परिणाम है। विलासी उपभोक्तावादी संस्कृति के इस दौर में कॉन्डम संस्कृति और उसका प्रचार विवाहोत्तर यौन संबंधों को बढ़ाकर इस बीमारी के जड़ को हरा भरा ही बनाएंगे। हमारे देश में लगभग 40 करोड़ रुपए का कॉन्डम देसी कंपनियां और इतने ही कॉन्डम विदेशी कंपनियां बेच रही है। विदेशी कॉन्डम के बारे में यह बात खासतौर से उल्लेखनीय है कि 1982 से ही सरकार ने इनके आयात पर से सीमा शुल्क समाप्त कर दिया था, और उस फैसले के बाद से ही देश की बाजार विदेशी कॉन्डमों से भर गया है। करीब 25-30 एजेंसियां जापान, कोरिया, ताइवान, हांगकांग, थाईलैंड वगैरह से कॉन्डम थोक के भाव से मंगाती और बेचती है। करीब 20 देसी और 80 विदेशी ब्रांडों अर्थात 100 से ज्यादा ब्रांडों में 100 करोड़ से ज्यादा कॉन्डम सालाना बिक रहे हैं। मुक्त यौन की संस्कृति और इसे कॉन्डम द्वारा सुरक्षा कवच पहनाकर प्रचारित करने से युवाओं का ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में मोड़ दिया गया है, यह अलग से एक बहुत ही गंभीर सवाल है। अतः सरकार और ये विदेशी कंपनियां एड्स रोकने से ज्यादा कॉन्डम की बिक्री बढ़ाना चाहती है। इसके लिए देश के युवाओं को बहलाया फुसलाया जा रहा है ताकि विवाह से पहले ही किसी लड़की के साथ संबंध स्थापित करो, कोई टेंशन नहीं है, और एक पत्नी से अधिक औरतों से संबंध बनाओ जिससे समाज और परिवार खत्म हो जाए। हमारे देश की सनातन संस्कृति को खत्म कर देश को जल्दी ही अमेरिकी का कुत्ता संस्कृति में मिलाया जाए। कुत्ता संस्कृति से अभिप्राय है सुबह किसी के साथ, दोपहर किसी के साथ और अगले दिन किसी और के साथ। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें। तो धन्यवाद, आप हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।